हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि जैसे हमने फोर चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट क्वारट की क्वेश्चन तक तो अब आपको क्या करना है कि समर वेकेशन में बिल्कुल पढ़ाई छोड़नी नहीं है इनका कम रेगुलर इंटरवल पर रिविज़न करते रहना है ठीक है तो क्वारट की क्वेश्चन के मेन जो टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिए थे आज हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स बेस पे ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वारिटिक इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन इज गिवन एंड हैंड द नेचर ऑफ इट्स रूट फाइंड दैम इफ दे आर रियल ओके तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसका हमें देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसी होगी मीन्स वेदर द रूट्स आर रियल एंड वेदर द रूट आर डिफरेंट और द टू इक्वल रूट ठीक है ये हमें फाइंड आउट करना है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड इफ यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड देम इफ दे आर रियल ठीक है तो पहले तो हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है एंड नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते थे हम कोई भी क्वेश्चन का अगर डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड आउट करना होता है ठीक है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी नेचर ऑफ रूट्स के मैंने तीन केस आपको बताए थे ऊपर में जो जो हमारी लास्ट जो वीडियो थी उसमें कि अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो देन द इक्वेशन विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स

सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू पता होना चाहिए आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट किसके बारे में किसको बोलते हैं सो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट अब बी स्क्वेयर बी और ए और सी की वैल्यू कहाँ से फाइन आउट करते हैं इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वेयर का जो कॉप्शन रहता है ये होता है हमारा ए तो एक्स का जो कॉप्शन रहेगा विद साइन माइनस टू ये रहेगा रहेगा बी और जो कॉन्सटेंट जो टर्म रहेगी ये रहेगा सी ये वैल्यू हम इसमें फाइन आउट इसमें पुट कर देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट में तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस बी होल स्क्वेयर माइनस

बी स्क्र माइनस फोर ए सी बाई टू ए तो ये तो हमारे पास जीरो तो रूट्स क्या हो जाएंगे देखो माइनस बी बाई टू ए हो जाएंगे इसके रूट्स ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो उसके रूट्स किससे उसके रूट्स किसके इक्वल होंगे देन रूट्स बी बाई टू ए तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है देखिए बी है माइनस टू सो माइनस टू यहाँ पे रखिए और टू इन ए की वैल्यू क्या है थ्री तो यहाँ पे थ्री रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टू ऊपर में और नीचे आएगा टू इंटू थ्री से कैंसिल आउट होगा हो ये होगा वन बाई थ्री ठीक है वन बाई थ्री होगा और वन बाय थ्री होगा ठीक है दोनों इक्वल रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे तो इसके रूट्स हो जाएंगे वन बाई थ्री वन बाई थ्री तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट का आपको मतलब बेसिक पता होना चाहिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे रहेगी वो हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है इक्वल टू जीरो है या ग्रेटर दैन जीरो तो इस बेस पे हमने पे फाइंड आउट कर लिया इक्वल टू जीरो हमारे पास है दो इक्वल रूट्स अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन देन वी विल गेट टू डिटिंक मीन टू डिफरेंट रियल रूट्स ओके एंड इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन देन आर नो रियल रूट्स तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी देखिए ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि पीसा वाले टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये देखिए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमी 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंसिस ऑफ इट्स डिस्टेंसिस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्सड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज सेवन मीटर्स देखिए लैंग्वेज समझेंगे पहले एक पोल है हमारे पास हैज़ टू बी रेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क हमें पता होगा दिया हुआ है कि सर्कुलर पार्क है, तो सबसे पहले हमें सर्कुलर पार्क बनाना पड़ेगा एक ठीक है सर्कुलर पार्क बनाने के बाद क्या कहा हुआ कि एक पोल है ठीक है उस पोल को हमें ऐसे यहाँ पे खड़ा करना है कैसे खड़ा करना है देखिए सर्कुलर पार्क डायमीटर थर्टीन मीटर डायमीटर मतलब ये इसका सेंटर होगा तो डायमीटर यहाँ पर मान लीजिए ये है इसका डायमीटर इन लेंथ ऑफ डायमीटर इज थर्टीन मीटर्स ओके थर्टीन मीटर्स इसके बाद देखिए इन सच ए वे ये जो पोल है इसके बारे में कहा हुआ है ऐसे घर में खड़ा करना है कि द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस इज फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्सड गेट्स ए एंड बी डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब कि डायमीटर के दो, दोनों साइड में होंगे ये गेट्स ठीक है दोनों साइड में अगर ये गेट्स होंगे तो यहाँ पे मानिए ए गेट है ये मानिए बी गेट है अब डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसिज क्या कहा हुआ है डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस इज फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स पॉइंट ए एंड बी इज ऑन द बाउंड्रीज सेवन मीटर्स मतलब ये जो पोल होगा हमें ऐसे खड़ा करना है कि ये जो दोनों ये जो गेट्स दिए हुए हैं ए गेट और बी गेट ठीक है इनकी जो डिस्टेंस रहेगी उनका डिफरेंस रहेगा सेवन मीटर मतलब अगर ये एक्स मीटर रहेगी तो ये लंबे वाली साइड कितनी रहेगी एक्स प्लस सेवन मीटर हमें ऐसे ये पोल यहाँ पे इरेक्ट करना है अब इसके बाद क्या कहा हुआ देखिए इज इट पॉसिबल टू डू सो क्या ऐसे ये पोल यहाँ पे इरेक्ट करना है ऐसे खड़ा करना ये पॉसिबल है अगर है तो फाइंड द डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट पोल मान लीजिए पी पॉइंट पे है तो ए पी और बी पी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ठीक है इफ यस एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड मतलब ए और बी से ये पोल कितनी डिस्टेंस रहेगी कितनी दूरी पे रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है तो अब यहां पे आप लोगों को एक बात पता होगी ये देखिए ए बी पी जो है ट्रे ये सेमी सर्कल में है ठीक है क्योंकि डायमीटर है ए तो ये जो एंगल रहेगा हमारा पी राइट एंगल रहेगा और राइट एंगल रहेगा इट मीन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ए बी पी ट्राएंगल ओके सो ए पहले तो हम ये मान लिए कि एक्स मीटर रहेगा बी पी ये लिख लेंगे यहां भी आप लेट लेट इक्वल्स टू एक्स मीटर देन एपी इक्वल्स टू एक्स प्लस सेवन मीटर ओके इसके बाद में यहां पे लिखेंगे नाउ एज ट्राइंगल एबीपी इज राइट एंगल ट्रैंगल सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी स्क्वायर स्क्वेयर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अदर टू साइड्स ठीक है बी पी स्क्र यहाँ पे आ जाएगा थर्टीन स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन पहले हम यहाँ पर थर्टीन स्क्वेयर लिख लेते हैं ए पी क्या है यहाँ पे ए पी एक्स प्लस सेवन स्क्वायर है प्लस बी पी बी पी इज एक्स स्क्वेयर, इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक की हमारे पास बनेगी ए प्लस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एक्स ठीक है ये हमारे पास रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा टू एक्स प्लस फोर्टीन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस फोर्टी नाइन माइनस वन सिक्सटी नाइन टू जीरो ठीक है यहाँ पे जब फोर्टी नाइन और वन सिक्सटी नाइन को जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा माइनस वन ट्वेंटी इक्वस टू ज़ीरो और टू मन निकाल के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी इक्व टू ज़ीरो अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं ये पोल यहाँ पे इरेक्ट करना यहाँ पे खड़ा करना पॉसिबल है या नहीं अगर ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये इक्वेशन अगर रियल रूट्स रखेगी इट मीन्स के एक्स की वैल्यू अगर रियल रहेंगी तो हम कह सकते हैं कि उसके ये पोल ऐसे यहाँ पे खड़ा किया जा सकता है अदरवाइज नहीं तो हमें यहाँ पे इसके नेचर ऑफ रूट्स देखने की कैसी होगी एंड फॉर फाइंडिंग आउट द नेचर ऑफ रूट्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके सो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वेर माइनस फोर इज इक्वल्स टू बी इज सेवन सो सेवन का स्क्वेयर होगा फोर्टी नाइन और माइनस माइनस फोर इंटू ए ए इज़ वन कॉपेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सी, सी इज़ माइनस सिक्सटी ओके तो यहां पे आ जाएगा फोर्टी नाइन माइनस और प्लस हो जाएगा ये आपका टू एट, सॉरी प्लस आपका हो जाएगा सिक्सटीन टू फोर टू फोर्टी क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस और सिक्सटीन टू फोर टू फोर्टी तो यह टोटल आएगा टू एंड इट इज ग्रेटर दैन जीरो और अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तब हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसके रियल रूट्स रहेंगे और रियल रूट्स रहेंगे तो हमें कहा भी होगी फाइंड आउट करिए तो फाइंड आउट कैसे करेंगे ये जो इक्वेशन हमारे पास अब आई है एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी इक्व जीरो इसको आप दो मेथड आपके पास है उससे कोई भी मेथड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू पहला मेथड कौन सा रहेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसका हम फैक्टर करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इसके फैक्टर्स करके करना चाहेंगे आप तो सेवन के फैक्टर्स ऐसे बनेंगे कि उसका मल्टीप्लाई आएगा सिक्सटी और एडिशन आएगा सेवन तो वो रहेंगे ट्वेल्व और फाइव ट्वेल्व पॉजिटिव रहेगा फाइव माइनस ठीक है तो ऐसे आप करके फाइंड आउट कर लेंगे फाइंड आउट करने के बाद आपकी एक्स की वैल्यू आएगी फाइव एंड माइनस ट्वेल्व तो माइनस ट्वेल्व तो होगी नहीं बिकॉज एक्स इज ए डिस्टेंस ठीक है एक्स डिस्टेंस है और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव सो ये तो हो जाएगा एलिमिनेट माइनस ट्वेल्व फाइव मीटर हो जाएगा आपका बीपी डिस्टेंस एंड एपी डिस्टेंस कितना हो जाएगा फाइव प्लस सेवन ट्व मीटर तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे ये था हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज एट हंड्रेड मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ देखो यहां पे हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ इफ सो मीन क्या ये पॉसिबल है ये हमें पूछा हुआ ये अगर ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन को सोल्व नहीं करना है पहले देखेंगे कि उसके सोल्यूशन है या नहीं मीन्स उसके रियल रूट्स होंगे या नहीं मतलब उसके पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे उसको देखेंगे दैट लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो है फिर उसके बाद में हम उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा हुआ देखिए इज इट पॉसिबल टू डिजाइन है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव वहाँ पे आम का बाग हमें देखना है लगाना है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड तो आप ऐसे देखिए क्वारिटी इक्वेशन फॉर्म तो ईजिली कर लेंगे आप क्योंकि हमने पहली कोई वीडियो में देखा था कि कैसे फॉर्म करना है बट यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखना है कि उसके रूट्स रियल हैं या नहीं मीन्स नेचर ऑफ रूट्स पे ये बेस्ड है पूरा ठीक है अगर ऐसा कहा हो इफ सो so, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उसकी नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है या नहीं अगर होगा देन वी कैन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ओके सो लेट स्टार्ट यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है उसकी लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन हमें गिवन है तो मान लीजिए लेट द ब्रेथ लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू बी मीटर ओके बी मीटर मान लेते हैं देन लेंथ ऑफ देट आम का बाघ इक्वल्स टू मैंगो ग्रोव इक्वल टू वहां पर क्या हुआ टू आइस इट्स ब्रेड मींस टू आइस इट्स ब्रेड मींस टू बी हो जाएगा इसकी लेंथ नाउ एरिया इज एट हंड्रेड मीटर स्क्वेयर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इन टू ब्रेथ ड्रेड मीटर स्क्वेयर सो टू बी स्क्वेयर इक्व टू एट हंड्रेड सो टू बी स्क्वेयर माइनस एट हंड्रेड इक्व टू जीरो और हमें यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्र माइनस फोर हंड्रेड इक्व टू जीरो देखिए इजिली आप फाइंड आउट तो कर लेंगे बी की वैल्यू बट हमें पहले देखना है कि पॉसिबल है नहीं तो उसके लिए क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेट मीन्स बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वस टू अब यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बी स्क्र वाला जो वैल्यू रहती है ये रहती है हमारी ए इसका कोप्शन की जो वैल्यू रहेगी और जो बी की अगर यहाँ पे वैल्यू होती तो वो रहती है बी की वैल्यू ठीक है मतलब एक्स वाली देखिए ये रहता है ना एक्स स्क्र एक्स स्क्वायेर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो तो इसमें एक्स स्क्र का जो कॉप्शन रहेगा इसकी वैल्यू ए रहती है ये रहेगी बी मीन्स जिसकी डिग्री वन रहती है उसकी तो यहाँ पर जिसकी डिग्री वन है मीन्स बी वाली टर्म जीरो तो बी की वैल्यू हो जाएगी जीरो की वैल्यू रहेगी वन और सी की वैल्यू रहेगी माइनस फोर हंड्रेड तो देखिए अभी इसकी वैल्यू क्या रहेगी बी स्क्सरो माइनस फोर हंड्रेड तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस ग्रेटर देन जीरो सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन विल हैव द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ओके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे बी स्क्र माइनस फोर हंड्रेड इक्वेस्टू जीरो क्वारिडिक फॉर्मुला से कर लिया फिर डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं हम

फोर्टी मीटर तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है ये थे हमारे क्वारिडिक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स के बेस्ट पे जो लैंग्वेज क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे आपको पहले वो इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन बनाने के बाद में आपको क्या करना है आपको देखना है कि उसके नेचर ऑफ रूट्स कैसी है अगर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसको फाइंड आउट करेंगे कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आप इसी फैक्ट्राइज करेंगे यहाँ पे क्वारिडिक फार्मूला यूज कर सकते हो क्या था क्वारिटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेट जो यहाँ पे दिया होता है वो और बाय टू ए ठीक है ये फॉर्मूला भी आप यूज़ करके इसका आउट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आप समर वेकेशन का टाइम यूटिलाइज करना आपको जो हमने चैप्टर अब तक किए हैं उसका रिविजन करते रहना नहीं तो भूलने के ज़्यादा चांसेज रहेंगे ओके सो रेगुलर टच में रहना पढ़ाएंगे आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर एंड कीप डूइंग मैथ्स